प्रदेश की जयराम सरकार छठे वेतन आयोग को जल्द लागू करे, कर्मचारियों और पेंशनर की समस्या के हल के लिए जेसीसी का बैठक जल्द आयोजित की जाए जिसमें पेंशनर्स व कर्मचारियों की मांगों का हल निकाला जाए। यदि सरकार ने पेंशनरों की मांगों को शीघ्र नहीं माना तो पेंशनर सड़क पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये बात पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की जिला कांगड़ा इकाई के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने धर्मशाला के जोधामल सराय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में एसोसिएशन के अंतर्गत 1.25 लाख पेंशनर्स हैं, ऐसे में सरकार को पेंशनर्स की मांगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुरेश ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है, ऐसे में हिमाचल सरकार को भी इस दिशा में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल द्वारा वेतन आयोग को लेकर पंजाब को फॉलो किया जाता है, ऐसे में छठे वेतन आयोग को लागू करने में पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एसोसिएशन को आश्वस्त किया है कि इस बारे में जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जल्द छठे वेतन आयोग की अधिसूचना लागू नहीं की और जेसीसी बैठक नहीं बुलाई तो पेंशनर सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। हमारी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिसके 1,25,000 पेंशनर्स हैं और भिन्न भिन्न जिलों में ये कार्य कर रही है, जिला कांगड़ा की तरफ से मैं जिला कांगड़ा का प्रधान होने के नाते आज की बैठक जो है विशेष तौर पर हमने जिला कांगड़ा की बुलाई है। और बीच में कोरोना रहा, लॉकडाउन था, इसलिए हम वर्चुअल मीटिंग जो थी वो नहीं कर पाए। आज की विशेष मीटिंग बुलाने का हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे संगठन में और मजबूती आए, भिन्न भिन्न संगठनों में जो पेंशन बंटे हुए हैं उन पेंशनों को हम एक मंच में ला करके सरकार के साथ हम एक सुचारू तौर पर हम प्रभावी तौर पर एक बातचीत की जाए। हमारी सबसे प्रमुख मांग यह है कि हमारी कर्मचारियों की और पेंशन की जेसीसी सरकार बुलाए, जिसके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने बात की है। और हमने एक बहुत बड़ी रैली जो थी वो सुंदरनगर में 2 वर्ष पहले हमने की थी और मांगों के बारे में हमने एक मांग पत्र जो था माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी को दिया था और उसको आश्वस्त दिया था कि हमारी पेंशन की मांग जो है वो मानी जाए। आज की विशेष बैठक इसलिए बुलाई है कि पंजाब का 6th पे कमीशन जो है, जो पंजाब सरकार ने अपने पेंशनरों को और कर्मचारियों को दे दिया है, उसकी अधिसूचना जारी हो गई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पेंशनर को और कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग जो है वो ही मंजूर किया जाता है, लागू किया जाता है। हमारा आज की बैठक बुलाने का तात्पर्य मुख्य यही है कि अगर पंजाब ने अपने कर्मचारियों को और पेंशनर को नोटिफिकेशन जारी कर दी है तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनरों को भी वो पंजाब का जो 6th पे कमीशन की जो अधिसूचना है वो शीघ्र अति शीघ्र जो है वो जारी होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को और पेंशनरों को 1/1/2016 से इसके वित्तीय लाभ जो है वो मिल सके। दूसरी बात हमारी आज की यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा ये बातचीत हुई थी और हमारी पिछले 2-3 दिन पहले हमारी माननीय नड्डा जी से भी हमारी बिलासपुर में मीटिंग हुई है और वहाँ पर हमने ये कहा है कि पेंशनरों की और कर्मचारियों की जेसीसी जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र बुलाई जाए, जिसमें पेंशन के जो मुख्य मांगे हैं उस पर विचार विमर्श जो है वोट डाला जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी जितने भी पेंशन हैं वो इकट्ठा होकर के पेंशनों की जो लंबित मांगे पड़ी हुई हैं, कई सालों से मांगे पड़ी हुई हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करके उसकी अधिसूचना जो जारी की जा सके।